भारत की एक ऐसी झाड़ी जो तितलियों को बहुत पसंद है और रंग बिरंगी कई किस्म की तितलियां जो हैं मकरंद चूसने आती हैं, और ऐसी झाड़ी जो जंगल में स्वयं उगती है और काफ़ी परिवार की ये झाड़ी है, 2-3 मीटर ऊंची हो जाती है, पत्ते अपोजिट आमने सामने रहते हैं, सफ़ेद रंग के फूलों का एक प्लेटफार्म जैसा बनता है, गोल गोल गुच्छे होते हैं जिसके ऊपर आकर के तितलियां मकरंद चूसती हैं दिन को। हनी बीज भी आती हैं, लेकिन हनी बीज चूंकि उनकी लंबी जीवा नहीं होती तो वो लंबी जो नली के आकार के फूल होते हैं उसमें से मकरंद निकालना उसके बस की बात नहीं, लेकिन तितलियों के पास चूंकि एक सूंड नुमा जीवा होती है, एक नली होती है जो वो सीधी करके बीच में एक सरिंज की तरह से उसका मकरंद जो है चूसने में माहिर होती है। तो तितलियों की ये झाड़ी जो है भारत की झाड़ी है, लेकिन हमारे जम्मू शिवालिक्स में उधमपुर रामनगर बिलावर घोरड़ी में अक्सर ये हमें खिली हुई मिलती है, और खिलने का मौसम जो है वो गर्मियों का मौसम है, मई जून में हम इसकी झाड़ी पे फूल देख सकते हैं, जबकि आगे पीछे बहुत से कम झाड़ियां जहाँ पेड़ पौधे ही उस वक़्त फूल दिखा रहे होते हैं। ऐसी झाड़ी जिसको अंग्रेजों ने नाम दिया इंडियन पैलेट श्रब, पैलेट एक जो गोली है और गोली के बाद उसके जब टुकड़े हो जाते हैं तो कई छोटे छोटे टुकड़ों में वो विभाजित हो जाती है, उसको बोलते हैं पैलेट। तो इंडियन पैलेट श्रब अंग्रेजों ने नाम दिया, क्यों दिया, क्योंकि इसके पत्तों के ऊपर ऐसे लगता है जैसे गांठे हैं, और एक नहीं अनगिनत गांठे हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो गोली के शरे ही हैं, पैलेट्स ही हैं, तो इसलिए इसका नाम दिया गया इंडियन पैलेट श्रब। बेसिकली ये जो गांठे हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जीवाणु हैं, ये उनकी बनाई हुई गांठे होती हैं, तो ये झाड़ी जो है एक नाइट्रोजन फिक्सिंग झाड़ी है। और इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इनकी गांठों के होने से कोई खास किस्म का एक विषैला भी रसायन इसमें मौजूद रहता है जो बैक्टीरिया की देन है, और उसके चलते बहुत से जो जानवर हैं वो भी इसको खाते नहीं हैं, तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है कि इसको माल मवेशी गाय खाएगी नहीं इसके पत्तों को, तो वो जो वो एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी है। और इस झाड़ी के चूंके फूल जो हैं सफ़ेद होते हैं, लेकिन जो तितलियां आती हैं वो बहुत रंग बिरंगी होती हैं, इसमें कई तितलियां जो देखी गई खास करके आंध्र प्रदेश में एक स्टडी हुई, और आंध्र प्रदेश के जंगलों में ईस्टर्न घाट्स में जो जो तितलियां देखी गई इसके ऊपर, एक तो हैं कॉमन रोज पैक्लियाप्टा अरिस्टोला की, दूसरी है क्रिम्जन रोज पैक्लियाप्टा हेक्टर, मारमोन बटरफ्लाई भी आती है पेपलियो पॉलिटस जो जम्मू के शिवालिक्स में भी है, लाइम बटरफ्लाई पेपलियो ड्यूमोलियस, फिर इसके ऊपर वो तितलियां भी देखेंगे जो अक्सर अमलतास के पत्तों पर उसके बच्चे पलते हैं, और अमलतास के अंग संग रहती हैं या पलाश के अंग संग भी रहती हैं, लेकिन इस झाड़ी के अंग संग भी रहती हैं, उनको बोलते हैं कॉमन इमाइग्रेंट और मॉटल्ड इमाइग्रेंट बटरफ्लाइज, कैटॉप्सिलिया पोमोना कैटॉप्सिलिया पायरेंथी, फिर कॉमन ग्रॉस येलो भी है यूरेमा हिकैबी पीले रंग की तितली वो भी आती है मकरंद चूसने, फिर डीलियस यू कैरिस कॉमन जिजिबल है वो भी आती है, फिर बिलोनाइस ऑरोटा भी आती है, फिर वाइट ऑरेंज टिप इग्जियास मैरियनी भी देखी गई है, कैलोटिस फास्टा कैलोटिस डैनी, फिर टॉनिकास्टर भी आती है एक्रिया टर्फसिकोर जो आमतौर पर ग्रासलैंड में दिखाई देती है और मरने का जो है ढोंग रचती है जब इसको कोई खतरा होता है, और येलो पेंजी की बटरफ्लाइज भी इस झाड़ी पर आती हैं जैसे जुनोनिया हिरटा, फिर क्रो बटरफ्लाइज भी आती है यूप्लोया कोर
इस तरह से एक और बटरफ्लाई जो आम तौर पर जम्मू शिवालिक्स में देखी गई है, इस झाड़ी पर आने वाली, उसका नाम है सिल्वर लाइन स्पिंडेसिस वल्केनस, फिर तजूरिया सिपस, फिर हेस्पिरिड बटरफ्लाइज भी आती हैं जैसे हैसोरा क्रोमस, लेकिन ये सारी नेक्टर फीडर्स हैं, लेकिन यही पॉलिनेट करते हैं इस झाड़ी को। तो ऐसी झाड़ी जिसको पॉलिनेट करने के लिए हनी बीज नहीं या परिंदे नहीं लेकिन तितलियां उसका परागण करें, उनको बोलते हैं साइकोफिलस प्लांट्स। तो ये साइकोफिली जो है एक किस्म की पॉलिनेशन जो खास करके बटरफ्लाइज के लिए ही अनुकूल है, और बटरफ्लाइज के लिए इसलिए अनुकूल है कि इन फूलों में नली जो बनती है पंखुड़ी की वो बहुत पतली होती है, संकरी होती है और लंबी होती है। तो उसमें निम्फिलिड्स और पेप्लूनिड बटरफ्लाइज, स्पेशली स्वेलोटेल बटरफ्लाइज, उन वो ही मकरंद चूस सकती हैं। हालांकि लाइसिनिड बटरफ्लाइज भी चूसती हैं, लेकिन लाइसिनिड बटरफ्लाइज की थोड़ी सी सूंड कम रहती है, जो सकिंग ऑर्गन उनका है प्रोबोसिस, तो उसके चलते जो लाइसिनिड बटरफ्लाई है उसको अक्सर जाना पड़ता है उन फूलों की तरफ जो फूल उस गुच्छे में नीचे की तरफ झुके रहते हैं। तो नीचे की तरफ झुकने से उन फूलों का मकरंद आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ खुद ही वो आधी नली तक पहुंच गया होता है, तो वहां से वो मकरंद चूस लेती है। इस पे सिर्फ तितलियां ही नहीं, हनी बीज भी आती हैं, लेकिन हनी बीज को देने के लिए इसके पास क्या है, सिर्फ पराग है। तो इसमें चार पुंकेसर रहते हैं, चार पुंकेसर जो हैं वो अंदर से विस्फोटित होते हैं और अपना पराग निकाल करके उनको पीछे की तरफ मोड़ करके रख देते हैं। तो यूं ही पेटल्स के प्लेटफॉर्म पे हनी बी बैठती है तो वो परागण नहीं कर सकती, क्योंकि जो स्टाइल है वो बहुत लंबा होता है, स्टाइल जो है ऊपर की तरफ उठा होता है और तितली का जो पराग है उसको नीचे मिल जाता है, पंखुड़ी की जो नली है उसके ही गले पर वो चार पुंकेसर होते हैं और वो एक तश्तरियाँ होती हैं जिनमें पराग भरा होता है, तो वो पराग लेकर के हनी बीज जो हैं वो चली जाती हैं। हाँ, कभी कभार वो ऊपर उठे हुए उस फीमेल ऑर्गन जिसको स्टिग्मा स्टाइल कहते हैं तो उसके ऊपर कोई पराग जो है छोड़ जाती हैं, लेकिन वो सेंसिटिव पार्ट नहीं होता। और इस तरह से एक खास एक कंपार्टमेंटलाइजेशन है कि कौन कौन से कीट पतंगे वो आएंगे परागण करेंगे और किस तरह से इस झाड़ी के साथ जुड़ते हैं। लेकिन इसमें जो बर्ड स्टेज पे आते हैं जब फूल, तो उस वक्त थ्रिप्स भी देखे गए हैं जो फूलों के अंग संग रहते हैं और फूलों को खाते भी हैं। एफिड्स भी एक किस्म के छोटे कीट हैं। शाम के वक्त 4 बजे के बाद जो है उसमें जो इसका जयांग है या जननांग है या पिस्टिल है उसका स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है, तो तब तक तितलियां जो हैं और शहद की मक्खियां वो अपना भ्रमण कर चुकी होती हैं, वो चली गई होती हैं। और शाम के वक्त में मोस्टली देखा गया है कि हाक माथ्स आते हैं, और एक खास किस्म का हाक माथ जो जम्मू के पहाड़ियों में खासकर रामनगर के जंगलों में दिखता है इस झाड़ी के अंग संग, और एकदम हावर करता रहता है जिस तरह से हेलीकॉप्टर ना आगे ना पीछे, बड़ा ही तेज फड़फड़ाता है अपने पंखों को, और उसके पंख जो हायालाइन होते हैं, पेलुसिड होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसका नाम है सेफोनोड्स हायलास। तो ये जो है ये भी नेक्टर फीडर हॉक माथ है। साउथ इंडिया में मैक्रोग्लासम गायरेंस नाम का हॉक माथ भी देखा गया है, लेकिन हमारे इधर सेफोनोड्स हायलास जो है ज़्यादा। और एक और जो खास इसके ऊपर बात है कि इसमें जो पंखुड़ियों की लोब्स हैं वो 5 नहीं होती, अक्सर फूलों में 5-5 होती हैं पंखुड़ियाँ, पेटल्स पेटल लोब्स, लेकिन इसमें 4 होती हैं और स्टेमन्स भी 4 ही होती हैं, और पिस्टल जो है वो 2 होती हैं लेकिन जुड़ी हुई होती हैं, तो सिनकार्पस बाइकार्पलरी ओवरी होने से इसको कहते हैं टेट्रामेरस फ्लावर, ऐसा फूल जिसके जो वर्ल्स हैं उनके पार्ट्स को हम 4 में डिवाइड कर सकते हैं, 4 के मल्टीपल में होते हैं या उनके डिवीजन में होते हैं, 2 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, तो पेटल्स भी 4, सेपल्स भी 4, स्टेमन्स भी 4, लेकिन जो कार्पल्स हैं वो 2 होती हैं, और दोनों चैम्बर्स में 2-2 सीड होते हैं, पर अल्टीमेटली जब विकसित होते हैं तो एक एक सीड ही विकसित होता है, तो 2
या कभी कभी तीन सीड दिखाई देते हैं। जो फल है वो पकने पर काला हो जाता है, और इस फल को भी कई किस्म की वाइल्ड लाइफ खासकर एंट्स भी खाती हैं, और एंट्स जो हैं वो फूलों पे भी आती हैं। लेकिन इसके बहुत से जो फल हैं जब पकने पर कई परिंदे भी आकर के उनको खा लेते हैं। और ये जो फल है इसको देखा गया जी रूमेटिक पेन में इस्तेमाल होता है। जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, पत्तों के ऊपर चूंकि गांठें होती हैं, और ऐसी गांठें जो हैं हेमोराइड्स जब बन जाते हैं पाइल्स की बीमारी में, तो उसके ट्रीटमेंट में भी देखा गया है कि इसके पत्तों का जो काढ़ा है वो हेमोराइड्स की हीलिंग के लिए भी देना लोग मानते हैं कि उसमें वो शफा मिलती है। और जॉन्डिस जो पीलिया है, पीलिया में भी इसका काढ़ा रिकमेंडेड है, रूट्स का, स्टेम का, लीव्स का। और यूरिनरी ट्रबल्स के लिए भी जो लोग हैं इसको यूज़ करते हैं इंडिया में। ये जो बुश है ये एक झाड़ी है, इसका बोटानिकल जब वनस्पति का नाम है एक्जोरा। पहले एक्जोरा होता था लेकिन आजकल इसको रखा गया है पेवेट्टा में, आजकल कहते हैं पेवेट्टा इंडिका। तो पहला नाम था इसका एक्जोरा पेवेट्टा। तो एक्जोरा तो रंग बिरंगे फूल हैं, वो भी जम्मू के गार्डन्स में मिलते हैं, खास करके लाल रंग के फूल। तो एक्जोरा से हटा करके इसको अलग जीनस दी गई है पेवेट्टा। पेवेट्टा चूंकि सिन्हालीज नेम और तमिल में पवेत्ताई, तमिल का नाम है लोकल पवेत्ताई, और मलयालम में इसी का जो नाम है वो था मल्ली कटम्मू। तो इसको संस्कृत का जो एक नाम मिला हुआ है वो है काकशड़ी। काक की झांगों की तरह लंबी लंबी इसकी इंटर नोड्स रहती हैं, और ये ब्रांच्ड झाड़ी है तो उसको दे करके इसका नाम दिया गया काकशड़ी। और इस झाड़ी को कॉफी परिवार में रखा गया है रूबिएसी। तो रूबिएसी की भी सब फैमिलीज अलग अलग हैं। एक सब फैमिली जो है वो तो उन पौधों के लिए है जैसे जिसमें सिनकोना आता है, कुनीन आती है, कुनीन का दरख्त भी रूबिएसी का में, और उसकी जो सब फैमिली अलग है सिनकोनीटी। और दूसरी सब फैमिली जो है रूबिएसी के अंदर है वो है एक्जोरिडी, जो एक्जोरा की तरह फूल है। तो चूंकि ये भी पहले एक्जोरा ही था तो अब इसका नाम है पेपेटा, लेकिन ये भी एक्जोरिडी सब फैमिली में रखी गई है। और तीसरी सब फैमिली रूबिएसी के अंदर आती है मंजिष्ठा के लिए, रूबीआईडी, जिसमें रूबस रखा जाता है। इनमें एक खास बात है कि इसके जो फूल हैं वो एक कोरिम्ब बनाते हैं। कोरिम्ब मतलब जो फूल हैं उनकी डंडियां नीचे ऊपर इस तरह के लंबाई में रहती हैं ताकि सारे फूल एक समानांतर लेवल पे एक प्लेटफॉर्म बना सकें, जिस तरह गोभी का फूल होता है। तो इसको बोलते हैं कोरिम्बी फार्म क्लस्टर्स। और पॉलिनेशन के होने के बाद ये जो हैं फ्रूट्स जब बन रहे होते तब उनकी डंडियां जो हैं फलों की और ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, सारा फूल झर जाता है, लेकिन अंखड़ियां जो हैं कैलिक्स लोब जो हैं कैलिक्स जो है वो साथ में रहता है फल के भी। और इसको डोगरी में जो रामनगर की पहाड़ों में जब लोगों से बात हुई तो उन्होंने इसका लोकल नाम जो है डोगरी में बताया गुलदर। हालांकि गुलदर जो है लेपर्ड को भी कहते हैं। तो लेपर्ड के ऊपर भी जो फूल जैसे बने होते हैं इसी तरह से इस झाड़ी पर जब फूल विकसित होते हैं तो अलग अलग गुच्छे जो गोल गोल गुच्छे जो हैं वो दूर से थोड़ा सा आभास देते हैं जैसे गुलदर के बॉडी के ऊपर फूलों का चित्रण हो। और इसको बहुत सी लेडीज खास करके साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में अपने हेयर्स में डेकोरेशन के लिए भी इन फूलों को सजाती हैं, क्योंकि मई महीने में इसकी फ्लावरिंग होती है तब बहुत से फूल नहीं मिलते, और ये फूल जो है मिल जाता है तो इसके फूलों के गुच्छों को बालों को सजाने में, क्योंकि सुगंधित फूल होते हैं, खुशबूदार फूल होते हैं, तो लेडीज लगाती हैं। इसलिए बहुत से अंग्रेज जो हैं उन्होंने ये नाम भी दिया ब्राइडल बुश। तो दुल्हनिया की झाड़ी भी इसको एक नाम मिला हुआ है। और चूंकि इसमें बटरफ्लाइज इतनी आती हैं, इतनी तितलियां इसके ऊपर, कम से कम दर्जन तितलियां, और इसलिए इसका एक और नाम जो है वो बटरफ्लाई बुश भी है, मतलब तितली की ये प्रिय झाड़ी है। एक और तितली की झाड़ी जिसको काफ़ी ज़्यादा तितलियां उसके ऊपर भी आती हैं, लेकिन इतनी तितलियां नहीं आती उस पर, लेकिन उसको कहते हैं तूड़ बना डोगरी में।
या हम नीमदा कहते हैं हिंदी में, बुडलीजा एशियाटिका, उसके भी सफ़ेद फूल होते हैं और वो भी इसी वक्त अप्रैल में खिलते हैं और उनकी सुगंधित वाइट फ्लावर्स पे भी कई किस्म की तितलियाँ आती हैं। उस झाड़ी का नाम ही बटरफ्लाई बुश है, लेकिन पवेटा इंडिका जो है इसको भी बटरफ्लाई बुश कहा गया है। और इसके ऊपर जो हनी बीज आती हैं देखी गई हैं कि एपिस डॉर्सेटा भी आती है, एपिस सराना भी आती है, एपिस फ्लोरिया भी आती है और एक और बीज जो है एमेगिला जीनस की भी आती है। तो लेकिन वो पोलन फीडर्स ही हैं, कोई इनमें से पॉलिनेशन नहीं करती, कभी एक्सीडेंटल पॉलिनेशन कर सकते हैं। और इस झाड़ी की एक और खास बात है कि अपने ही पोलन से भी इसकी फर्टिलाइजेशन हो सकती है, मतलब इसकी सेल्फ फर्टाइल है जी, स्टराइल नहीं है। लेकिन चूंकि मेल और फीमेल पार्ट्स का इंसर्शन अलग अलग लेवल पे होता है, स्टेमन्स का कद छोटा होता है, उनकी छोटा फिलामेंट होता है, वो कोरोला ट्यूब तक ही रहते हैं, और जो फीमेल पार्ट है स्टाइल स्टिग्मा वो चूंकि ज़्यादा ऊपर गया होता, तो उसके लिए हनी बीस कभी कभी नीचे से जब पराग की फीस्ट खा रही होती हैं तो जाते जाते कभी कभी एक्सीडेंटल गिटनोगैमी अपने ही पोलन से, लेकिन अपने आप नहीं बल्कि किसी के द्वारा वो पॉलिनेशन करते हैं। तो गिटनोगैमी भी इसमें देखी गई है और कई बार वो हनी बीज दूसरे पेड़ पे, दूसरे झाड़ी पे जाके उसके फूलों पर भी वो पराग छोड़ देती है, तो तब उसको कहते हैं जीनोगैमी। अगर अब एक ही झाड़ी अपने ही पराग से अपने ही स्टिग्मा के ऊपर पोलन रखने में कामयाब रहे, तो पॉलिनेशन करने में कामयाब रहे, तो उसको कहते हैं गिटनोगैमी। और अगर दो अलग अलग झाड़ियाँ हों और उसके ऊपर अगर इसके हनी बी के द्वारा ऐसा पराग रखा गया और पॉलिनेशन हो गया, परागन हो गया, तो उसको कहते हैं जीनोगैमी। तो ये भी इसमें देखा गया। लेकिन इसमें सारे जो हैं मोस्टली ये स्टाइल जो हैं उसका लेंथ बराबर होती, तो आइसो स्टाइल ही देखी गई। हालांकि बहुत से प्लांट्स इस फैमिली में जिनमें हेट्रोस्टाइली भी होती है, लेकिन इसमें आइसोस्टाइली। और खास बात जो है, इसको माना जाता है ये की स्टोन स्पीशीज है, वाइल्ड लाइफ के लिए की स्टोन स्पीशीज। की स्टोन स्पीशीज मतलब वो एक झाड़ी जो है वो कई और जिंदगियों को आश्रय दे रही है, उनको पाल पोस रही है, किसी को पराग दे रही है जैसे हनीबीज को दे रही है, किसी को मकरंद दे रही है जैसे बटरफ्लाइज को दे रही है, हॉक मॉथ्स को दे रही है, फिर और कीट पतंगे जैसे थ्रिप्स को भी ये कुछ ना कुछ दे रही है, फिर जो चींटियां हैं एंट्स वो भी इसकी मिठास की तलाश में आती हैं, उनको भी थोड़ा बहुत कहीं कुछ कुछ खाने को मिल जाता है, फिर जब इसके फल पक जाते हैं तो उनको भी कुछ कीड़े खाते हैं और परिंदे भी खाते हैं, और कुछ छोटे फ्लावर पैकर्स भी इस झाड़ी पे आ जाते हैं, तो उनको भी ये थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है, और ख़ास करके उस समय सपोर्ट करती है जब आगे पीछे बसंत उजड़ चुका होता है, बसंत गायब हो चुका होता है और गर्मियों के मौसम में, और ख़ास करके नेक्टर देने वाला ये पौधा जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कई किस्म के बायोडाइवर्सिटी में, तो इसलिए इसको की स्टोन स्पीशीज माना गया। और इसकी खास एक और बात है, इसमें प्रोटेंडरी होती है। प्रोटेंडरी का मतलब होता है पहले स्टेमन जो हैं वो तैयार हो जाते हैं अपना पराग को देने के लिए, तो उनका जो पराग है मेच्योर हो गया होता है और पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं, लेकिन उस वक्त फीमेल रिसेप्टिविटी नहीं होती, तो इसलिए वो हनी बीज उस वक्त आती हैं या फिर बटरफ्लाईज आती हैं, लेकिन वो तो मकरंद लेती हैं, और उसके बाद जो है शाम के वक्त जो है फिर फीमेल पार्ट भी रिसेप्टिव हो जाता है, उस वक्त आते हैं हॉक मॉथ्स और वो इसका पॉलिनेशन करते हैं। फिर वो दूसरे दिन भी जो है इसमें पॉलिनेटेड फ्लावर रहते हैं, लेकिन थर्ड डे वो गिर जाते हैं नीचे और उसके बाद फिर फ्रूट बन जाता है। 21 दिन जो है पॉलिनेशन के बाद देखा गया कि 2-3 हफ्ते में फल पक करके तैयार हो जाता है। और इसकी खास बात जो है कि इसमें कोई डारमेंसी नहीं है, इस झाड़ी के बीजों में डारमेंसी नहीं है। जैसे ही फल पकते हैं जुलाई अगस्त में, तो उसके बाद ये सितंबर में अगर वेट कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो इसके सीड उसी वक्त आगे पीछे जर्मिनेट कर सकते हैं। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें जो सीड्स हैं, खास करके साउथ इंडिया में बहुत से जो लोग हैं ट्राइबल्स,
उसको काले मिर्च का जो उत्पादन होता है ब्लैक पेपर का, उसमें भी इसको एडल्टरेंट करने के लिए एज ए मिश्रण एक किस्म का कर देते हैं। ओरिजिनल तो ब्लैक पेपर होता है जो तो तेज काला मिर्च होता है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को देखा गया है कि इसको भी पीस करके मसाले के तौर पर काले मिर्च के साथ इसके फलों को भी डाला जाता है, पेवेटा इंडिका के फल जो काले होते हैं लेकिन रिंकल्ड नहीं होते। काला मिर्च तो रिंकल्ड रहता है, झुर्रीदार होता है, ये स्मूथ ही होता है और साइज में भी ये थोड़ा काला मिर्च से बड़ा होता है, मटर के दाने के बराबर इसका साइज होता है, लेकिन पीस करके ये कई बार ब्लैक पेपर की अडल्ट्रेशन भी देखी गई है। बेसिकली जब नेक्टर फीडिंग जो बटरफ्लाइज हैं उनको नेक्टर जो उनको मिलता है पेवेटा इंडिका से, इसमें खास करके सुक्रोज कंटेंट रिच रहता है, हालांकि ग्लूकोज फ्रक्टोज भी हो रहता है लेकिन सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स देखे गए हैं जो बटरफ्लाइज के लिए उनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, वो एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स भी इसके फूलों के मकरंद में मौजूद होते हैं, जिनमें मेन है थ्रियोनीन, मिथियोनीन, हिस्टिडीन, लाइसिन। इसके अलावा जो नॉन एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स हैं, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन या हाइपो हाइड्रोक्सी प्रोलीन, वो भी मौजूद रहते हैं। ये ऐसा झाड़ी है जिसको हेयर डेकोरेशन के लिए एज डेकोरेटिव और इवन फ्लोरिकल्चर पार्क्स एंड गार्डन्स में इस झाड़ी को नहीं लगाया गया है जो लगाना चाहिए। एक्जोरा जो है वो तो हमने लगाए हैं जिनके लाल फूल निकलते हैं, एक्जोरा चाइनेंसिस है, लेकिन इस झाड़ी को जो अपनी हमारी है भारत की झाड़ी है और बहुत ही मेडिसिनल भी है और जिसका लोकल नाम गुलदर भी है और ब्राइडल बुश या बटरफ्लाई बुश भी इसको कहते हैं, तो बटरफ्लाई गार्डन के लिए भी जरूरी है और इसकी सफ़ेद फूलों के गुच्छों के लिए भी इसको एज ए डेकोरेटिव श्रब जो है हमें शामिल करना चाहिए जम्मू के गार्डन्स में, पार्क्स में। और इसके साथ साथ एक और ख़ास बात जो है इसकी वो ये है कि ये झाड़ी जो है कई किस्म के वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करती है, तो उसके हवाले से इस झाड़ी को अगर हम वाइल्ड लाइफ एरियाज में जो हमारे इंस्पेक्शन हट्स होती हैं या इको टूरिज्म हट्स होती हैं उसके अगल बगल में, खास करके जम्मू में लगा सकते हैं, कश्मीर में तो नहीं लगेगी झाड़ी क्योंकि ये ट्रॉपिकल श्रब है, अफ्रीका में भी मानी गई है, साउथ ईस्ट एशिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो है वो दूसरी स्पीशीज हैं और बहुत पहले तो ये पेवेटा इंडिका में ही कई स्पीशीज को एक स्पीशीज ही माना करते थे, लेकिन अब जो न्यू टैक्सोनॉमिक अप्रोचेज हैं उसमें जैसे चाइना की सिमिलर ऐसी ही मिलती जुलती झाड़ी है उसका नाम डाल दिया पेवेटा हांगकांगेंसिस, बेसिकली वो पहले पेवेटा इंडिका ही थी। ऐसे ही उत्तराखंड में एक और स्पीशीज मिलती है झाड़ी पेवेटा टोमेंटोसा, लेकिन वो पहले पेवेटा इंडिका वेराइटी टोमेंटोसा थी, वो बिल्कुल हमारी जो झाड़ी जम्मू की है पेवेटा इंडिका वेराइटी ग्लैबरा। ऐसे जो है इसके पत्ते और स्टेम्स जो हैं वो बिना किसी रोई के होते हैं, स्मूथ होते हैं, इसलिए ग्लैबरा, लेकिन जो उत्तराखंड में दूसरी देखी गई उसमें रोए होती हैं, हेयरी रहते हैं लीव्स नीचे से, इसलिए उसको टोमेंटोसा कहते हैं। साउथ इंडिया में एक और स्पीशीज जो है जेलेनिका, खास करके श्रीलंका में और वेस्टर्न घाट्स में है, वो भी मिलती है। तो ये इतनी शानदार झाड़ी है जम्मू की, आओ हम इस झाड़ी को अपने बागों में, पार्कों में शामिल करें ताकि तितलियां आ सकें हमें लुभाने के लिए और इस जैव विविधता के तंत्र में अपना ये सहयोग देने वाली इस विशेष झाड़ी को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोपित करें।